अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई एम सैयदा राबिया बतूल। आज मैं थोड़ा डिस्कस करने जा रही हूँ पेरेंट्स के अबाउट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमें डिस्कस भी करना चाहिए। सो दोस्तों, माँ बाप जो होते हैं वो बहुत अनमोल होते हैं, ये आप सबको मालूम है। लेकिन सब कुछ मालूम होते हुए भी हम लोग माँ बाप की नाकदरी करते हैं, माँ बाप से नफरत करते हैं, माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा तो कहीं नहीं होता, नफरत तो कोई नहीं करता, लेकिन आज का जो दौर शुरू हो गया है उसमें लोग बस अपना सोच रहे हैं। औलाद जैसे ही अपने पांवों पर खड़ी होती है वो अपना सोचना शुरू कर देती है, वो अपनी बीवी का, बच्चों का सोचना शुरू कर देती है। मैं लड़कों को टारगेट नहीं करूँगी, लड़कियाँ भी इसी स्टेज पर हैं कि बस थोड़ा अपने पांवों पर खड़े होकर हम लोग अपना सोचना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि बचपन से जिन्होंने पाला पोसा, सारी मुश्किलात उठाई, उन लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे लिए इतना कुछ किया, उन दो जानों ने। दो माँ बाप जो होते हैं पूरे खानदान को पाल लेते हैं, लेकिन पूरा खानदान, सारे बच्चे मिलके दो माँ बाप को नहीं पाल सकते, दो माँ बाप को नहीं रख सकते। यहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, यहाँ पर जायदाद के लिए लड़ जाते हैं, माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। सो गाइज, डोंट डू दैट। बहुत ज़्यादा इबरतनाक सज़ा मिलती है माँ बाप के नाफरमानों को और माँ बाप के तंग करने वालों को। क्योंकि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। जिस तरह बचपन में जब आप उआ उआ करके रोते हैं तब हमें उनकी ज़रूरत होती है, बड़े होने पर उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। सो डोंट डिसरिस्पेक्ट।